हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में छह टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो फर्स्ट टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो था फिजन, और उसी में हम लोग ने देखा था रिप्रोडक्शंस के डेफिनेशंस को और उसके टाइप्स को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजन्स के बारे में, टाइप ऑफ फिजन के बारे में, और देन आफ्टर बाइनरी फिजन इन अमीबा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो डेफिनेशन आता है एग्जाम में कि फिजन क्या होता है, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि फिजन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, तो सबसे पहले आप इसको समझिए। फिजन का डेफिनेशन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिजन मतलब होता है किसी एक बॉडी का दो या दो से अधिक पार्ट में क्या होना, टूटना। ठीक है, जब एक पैरेंटल बॉडी दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाए, ब्रेक कर जाए या स्प्लिट कर जाए, और हर एक टूटा हुआ पार्ट अपने आप को रीजनरेट कर ले, और एक कंप्लीट पैरेंटल बॉडीज में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिजन। क्लियर है? और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो भी डॉटर सेल फॉर्म होंगे या जो भी ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस होंगे वह एकदम पेरेंट्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा, किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि फिजन का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग एग्जाम में क्या लिख सकते हैं। तो उसी को हमने सिंप्लीफाइड करके हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे तैयार किया है, जिसमें फिजन का डेफिनेशन है कि द डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल, कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई सेल इंटू टू और मोर, दो या दो से अधिक पार्ट्स, मतलब दो या दो से अधिक पार्ट में क्या कर रहा है, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, एंड द रीजनरेट, मतलब कि वह पार्ट क्या कर, री मतलब होता है दोबारा, और जनरेट करना मतलब फिर से जनरेट कर जाना। ठीक है, तो पार्ट्स एंड रीजनरेट ऑफ इच पार्ट, मतलब जो भी पार्ट टूटेगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, फिर से रीजनरेट कर जाएगा, पार्ट इंटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म और अ न्यू सेल, एक नया सेल बन सकता है या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, और यही कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिजन कहलाएगा। बात क्लियर होगा? तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फिजन। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको समझना है कि फिजन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट्स होता है, पहला जो टाइप होता है वो होता है बाइनरी फिजन, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का डेफिनेशन, आई मीन इसके नाम से ही क्लियर है कि बाई मतलब क्या होगा, टू, और फिजन मतलब वही सेम बात कि इसमें पैरेंटल बॉडी क्या होगा, ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, याद रहेगा। बाइनरी फिजन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग को मेन समझना क्या है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन हमने क्या बताया कि जब एक पेरेंटल बॉडी ब्रेक करे दो डॉटर सेल में, ठीक है, दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दो डॉटर सेल में जब ये ब्रेक करेगा और हर एक डॉटर सेल क्या करेगा, फिर से रीजनरेट करेगा, जैसे फिजन का डेफिनेशन में ही है कि रीजनरेट करके क्या करेगा, एक कंप्लीट बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा, और एक नया बॉडीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, या किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फिजन, दोनों बात एक ही है, मतलब कि यह तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का भी टाइप है, ठीक है, और यह फिजन का भी टाइप है, क्योंकि हम बाइनरी फिजन जो है फिजन का टाइप है, लेकिन फिजन किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप है। तो इस वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फिजन, आप एग्जाम में लिखिए, गलत नहीं होगा। तो हमने लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, टाइप है, ठीक है। वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड, मतलब पेरेंट सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, रिजल्टिंग इनटू टू आइडेंटिकल सेल, बात क्लियर ही होगा, आइडेंटिकल मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी, एकदम पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट हूबहू, ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो रहा है, आइडेंटिकल है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिकल सेल, एंड इच हैविंग द पोटेंशियल टू ग्रो टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल सेल, मतलब हर एक टूटा हुआ, हर एक ब्रेक जो डॉटर सेल जो ब्रेक किया है, हर एक डॉटर सेल के पास कैपेसिटी होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है कि वह क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की तरह एकदम एग्जैक्ट कॉपी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, चाहे उसका शेप का बात किया जाए, चाहे वो साइज का बात किया जाए, बात किया जाए, तो अपने पेरेंट्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है
जो हम लोग को मेन पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आज के इस वीडियो में पढ़ने हैं, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो ये पॉइंट है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विद लेवल डायग्राम कैसे हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको समझना है कि अमीबा होता क्या है, ठीक है। तो अमीबा का जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोगों ने लाइव प्रोसेस में भी देखा कि अमीबा जो है एक तरह का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ एनिमल है, ठीक है। यह जो है अमीबा जो है वो एक्वेटिक मीडियम में लिव करता है, मतलब यह हमेशा कहाँ पे रहेगा, वाटर में। तो हम लोग इस फिगर के हेल्प से या डायग्राम के हेल्प से हम लोग को समझना है कि कैसे कैसे हर एक स्टेप में अमीबा जो है वो अपना रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को स्वप करता है और कैसे कैसे हर कंडीशंस में वह जो डिवीजन का प्रॉपर्टी होता है वो चेंज होते चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला फिगर में देखेंगे कि जो ये अमीबा है यह पहला फिगर में एकदम एज अ नॉर्मल फॉर्म में है, जिसमें यह जो है इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसीलिए कैसा ऑर्गेनिज्म है, यह जो है यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस यह ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक। तो हम लोग लिख सकते हैं यह हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फ्लूइड दिख रहा है ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं रहता, ये अपना शेप को हमेशा हर कंडीशंस में क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जब अमीबा रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है तो इसका जो स्यूडोपोडिया है, वो मूवमेंट करना छोड़ देता है। तो इसका जो स्यूडोपोडिया भाई कहाँ होगा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका क्या हो गया, ये वाला पार्ट इसका हो गया स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया हो गया। जब यह रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तो पहला कंडीशंस में क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस जो सेंटर पे जो इसका न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप का, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, इलोंगेट करेगा, ये बड़ा होगा। जब न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे इलोंगेट करते हुए दिख रहा होगा, यहाँ स्फेरिकल यहाँ पे इलोंगेट कर रहा है। जब यह इलोंगेट करेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसका आउटर कवरिंग क्या है, ये इसका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये अपने मतलब कि दोनों मेम्ब्रेन क्या होगा, एकदम अपने आप अपने एक दूसरे के प्रति एकदम अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अभी इस शेप में और यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अब यहाँ पे कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ग्रुप मतलब गड्ढा का वहाँ फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे गड्ढा का फॉर्मेशन हो गया। इसके साथ साथ ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक साथ अटैच कर जाएगा। जब अटैच करेगा तो आप गौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अटैच करेगा तो ये यहाँ से पूरी तरह से अटैच होने के बाद यहाँ पे ब्रेक करेगा, ठीक है। और जब ब्रेक करेगा तो इधर का साइटोप्लाज्म और इधर का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, कंप्लीट होगा, तो क्या बनेगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल बनते दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है टू डॉटर सेल। इसी प्रोसेस को एज अ लैंग्वेज के तौर पे हम लोग कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं उसको अभी हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख के इसको समझ सकते हैं कि अमीबा इज द सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब यह कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर टाइप ऑफ, सिंगल सेल कंसिस्ट करता है, ठीक है। यूनिसेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है इसलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, विथ नो डेफिनेट शेप। हमने बताया था कि अमीबा का कोई भी शेप क्या नहीं रहता है, डेफिनेट नहीं रहता, मतलब कि वो अपना शेप को हमेशा क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। एंड मूव बाय मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के हेल्प से कब तक मूवमेंट करेगा, जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर नहीं किया, तो ये जनरली इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं अमीबा के रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बाइनरी फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन जो है यह कॉमन मेथड है एसेक्सुअल का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप पे भी है, हम लोग फर्स्ट टाइप भी पढ़ रहे हैं, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लाइड बाय द अमीबा, मतलब ये किसके साथ मेनली अप्लाइड होता है, अमीबा के साथ ही ज़्यादातर अप्लाइड किया जाता है, ठीक है।
ड्यूरिंग दिस स्टेज अमीबा स्टॉप इट्स मूवमेंट। हमने बताया था कि जब अमीबा रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो वो मेनली क्या करता है, अपना जो लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, उसको स्टॉप कर लेता है। तो उस समय सीडोपोडिया का कोई काम नहीं होगा तो उसको विथड्रॉ कर लेगा, ठीक है, मूवमेंट्स बाय विथड्रॉइंग इट्स सीडोपोडिया, मतलब उसको विथड्रॉ कर लिया, ठीक है, एंड फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। एक स्फेरिकल शेप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, हाइबरनेशन स्टेज में चला जाएगा, मतलब वैसा स्टेज जिस समय वो सिर्फ रिस्पायरेशन करे, अपना शिकार वगैरह क्या कर दे, छोड़ दे, मतलब उस समय शिकार वगैरह करेगा नहीं, सिर्फ एक जगह पे वो क्या करके रखेगा, अपने स्यूडोपोडिया वगैरह को एकदम समेट के रखेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, स्फेरिकल शेप में एकदम कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का बात करने का मतलब यहाँ न्यूक्लियस का बात हो रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इज डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए जब यह चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। माइटोसिस का डेफिनेशन यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने बताया था कि जब एक पैरेंटल बॉडी अपने आप को डिवाइड करे और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करे, लेकिन दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, एक जैसा हो, एकदम एग्जैक्ट हो, बराबर हो, किसके कंपेयर में, एज अ कंपेयर टू पैरेंटल बॉडी। तो हम लोग बोले थे कि इन द केस ऑफ माइटोसिस डिवीजन वन पैरेंटल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू पैरेंटल सेल बॉडी। तो याद रहेगा, तो यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन हो, क्योंकि माइटोसिस द प्रॉपर्टी किसका है, एसेक्सुअल का है, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन करेगा, आफ्टर द डिवीजन, डिवीजन होने के बाद, ठीक है, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस का बात हो रहा है, न्यूक्लियस रिजल्टिंग इनटू टू डॉटर सेल, मतलब कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कितना डॉटर सेल बनेगा, दो डॉटर सेल बनेगा, और दोनों डॉटर सेल कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, मतलब एकदम बराबर होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, किसके, पेरेंट्स के, ठीक है, आइडेंटिकल। कोलोन ऑप्टेन बाय द पेरेंट सेल, कोलोन मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग कोलोन बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट कॉपी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं किसके कोलोन को, कंडीशंस को ऑप्टेन कर रहे हैं, तो वो पेरेंटल बॉडीज के एकदम एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं, जैसा पेरेंट्स वैसा ही, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात क्लियर, ये तो प्रॉपर्टी है किसका, एसेक्सुअल का है, और फ्यूजन भी किसके अंडर में आ रहा है, एसेक्सुअल के अंडर में आ रहा है। तो इसमें भी जितने जो डॉटर सेल बनेंगे कैसा बनेंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे, एकदम आइडेंटिकल बनेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्यूजन्स का क्या डेफिनेशन होता है, फ्यूजन्स क्या होता है, फिर इसके हम लोगों ने देखा, बात किया कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने मेनली फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन्स को अभी हम लोग पढ़ा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हमने सुबह बता दिया था कि हम लोग मल्टीपल फ्यूजन हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई घबराने का बात नहीं है कि हमने मल्टीपल फ्यूजन का क्या डेफिनेशन नहीं दिया है। सिंपल फॉर्म में आप याद भी रख सकते हैं कि मल्टी मतलब होता है कि जब कोई एक पेरेंट बॉडी मोर देन टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन हम लोग एक सेपरेट वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम जो हम लोग को पढ़ने हैं, तो उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने फ्यूजन देखा, फ्यूजन्स के भी बाद हम लोग ने देखा बाइनरी फ्यूजन को, बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि अमीबा कैसा होता है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये मेनली पानी में पाया जाता है, ठीक है। यह यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि इसके बॉडीज में न्यूक्लियस होता है, इसका बॉडी एक सेल से बना रहता है, ठीक है। इसके पास स्यूडोपोडिया होता है जिसकी हेल्प से यह लोकोमोट करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो ये स्टॉप मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ये सारा चीज़ को मेनली छोड़ देता है, और यह मेनली क्या होता है, स्फेरिकल शेप में मेनली कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस इलोंगेट किया, बड़ा हुआ, न्यूक्लियस जब इलोंगेट किया तो ये न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, प्लाज्मा में कंट्रैक्ट किया, उसके बाद ये प्लाज्मा में ब्रेक किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल का क्या कर दिया, फॉर्मेशंस कर दिया। दोनों डॉटर सेल क्या है, अपने पेरेंट्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, एकदम आइडेंटिकल है, कोलोन है, और कोई भी वेरिएशंस यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मल्टीपल फ्यूजन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।